में नगर निगम के चुनाव नज़दीक है, हर पार्टियां कमर कस रही है। जो मौजूद पार्षद है वह अपने विकास कार्य कराने में लगे हुए हैं, 5 साल में बहुत अच्छे विकास किए हैं। वहीं दूसरी ओर बिजवासन विधानसभा के राजनगर वार्ड में कॉलोनी की जनता पार्षद और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई। MLA, निगम पार्षद, निगम पार्षद, MLA, निगम पार्षद, निगम पार्षद, निगम पार्षद, MLA, MLA, निगम पार्षद, निगम पार्षद, MLA, MLA, निगम पार्षद, निगम पार्षद, MLA, भूपेंद्र जून, MLA भूपेंद्र जून, MLA भूपेंद्र जून, निगम पार्षद भूपेंद्र, निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद। काफी नाराज है, रोष प्रकट कर रही है। हर खबर की टीम ने राजनगर वार्ड में पहुंची। वहीं राजनगर वार्ड कॉलोनी की जनता जमकर नारेबाजी करने पर उतर आई। हर खबर की टीम राजनगर कॉलोनी में जनता से मिली, जहां पर समस्या से परेशान जनता खुलकर बोली, अपने पार्षद और विधायक के खिलाफ गलियों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नेता अपने चुनावी वादे खरे नहीं उतर रहे। इन्हीं सभी बातों को लेकर जनता में रोष प्रकट नजर आया। आइए हम सुनाते हैं राजनगर की जनता का क्या कुछ कहना। संतोष देवी, संतोष जी, कहाँ की समस्या है? कौन ये गली नंबर राजनगर पार्ट 2 की समस्या है, बैक गली की। यहाँ ना कोई नेता आते हैं, ना जून था वो आज तक नहीं आए 5 साल से, ना भूपेंद्र गुप्ता जी हैं ना वो आए हैं। इस गली में किसी ने झाके नहीं देखा। ये हालत देखो, 2 साल हो गए, हमने पैसों से भी ये ठीक करा ली, हर तरीके से करा ली, पर ये हल नहीं होती। समस्या है कि गटर भर जाते हैं बार बार, पाइप इसके छोटे हैं, ये समस्या इसकी। ये गटर भर जाते हैं, सीवर जो मतलब सीवर भर के ऊपर ऊपर आते निकले, ये देखो आप, आपको समस्या दी के सामने गटर भरे पड़े, ना बच्चों पे निकला जाता, ना बड़ों पे निकला जाता, ना यहाँ कोई बड़े नेता आते, ना छोटे नेता आते, क्या क्या क्या, हम गए थक। और आज हमने आपको इसलिए बुलाया, गर्मी आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और मेरी लड़की तो 2 महीने अभी हॉस्पिटल से आई है, वो बीमार है, मैं उसके कागज भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मच्छरों के इनकी बीमारी से ही तड़प रही है वो लड़की। बीमारी हो रही है, किस कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है जो गटर भरे हैं, नेता जिम्मेदार है, ये सफाई नहीं करेंगे तो और कौन जिम्मेदार है? कि हमने विकास कर दिया, ये विकास है, ये विकास देख लो ना, आपके सामने है विकास, आपके सामने है। पार्षद कहते हैं कि ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जो काम करने लगा, तो आपके सामने है ना। ये हमने तो ऐसा है नहीं कि हमने अपने घरों में से पानी भर दिया, छोड़ दिया कि चलो भाई हम नेता को बदनाम करेंगे, नहीं। ये दो पार्ट है, गटर इधर भर जाता है, ये खुलने के बाद भी उधर भर जाता है, सारी गली भर जाती है। राजकुमार, राजकुमार जी, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत आपके सामने, ये सारा सीवर रुका हुआ है, 5 बार इसकी जो है ना नपाई होली, अब एक हफ्ते बाद काम शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते बाद काम शुरू हो जाएगा। वो भूपेंद्र जून है, गायब है, जो MLA है भूपेंद्र गुप्ता के पास जाते हैं, जो MCD काउंसलर है वो कहता है ये MLA का काम है, MLA जो है आगे यहाँ झाँकता नहीं, उसके चमचे आते हैं यहाँ हमारा, मैं से मारा तो रास्ता। कौन है पार्षद, कौन है यहाँ काउंसलर, कौन है? भूपेंद्र गुप्ता है, वो तो आए हो, कभी आए? हमारी गली में नहीं आए, आगे घूम के जाता है, यहाँ नहीं आता, यहाँ बुलाते भी हैं हम भाई, देख जा हमारी समस्या, वोट आवेगी जब आए तेरा, सब ना दे किसी का वोट, अब नहीं देंगे, अब किसी को जो भी खड़ा होगा उसको किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारी गली भरी, हमारा समाधान नहीं हो रहा तो क्या फायदा भैया। हमारी गली पूरी भरी रहती है, हर कभी इधर से और कभी इधर से जाने का रास्ता हमारा इधर ही है, और डेंगू वैसे फैले जा रहा है, तो कैसे निकले? हमारा सभी समाधान तो करो अब। ये कहना भूपेंद्र गुप्ता, वो तो कह रहे हमने विकास कर दिया सभी गली में, विकास कर दिया होता तो ये गटर नहीं भरे होते, आज से 40 साल पहले के गटर भरे हुए हैं ये, वो अपना जो दोबारा डलवाने के लिए तैयार ही नहीं है। गए आप वहाँ पे समस्या? हम तो रोज ही चक्कर काट रहे हैं, रोज किसके? भूपेंद्र जून के भी, भूपेंद्र गुप्ता को भी फोन करते हैं। क्या कहते हैं वो? बोलते हैं आके देख लेंगे, देखते ही नहीं है कोई। मेरा नाम नीलम जैन है, यहाँ ये छोटी गली है, मेन रास्ता है,
लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। भूपेंद्र गुप्ता को भी बोल रहे हैं, भूपेंद्र जून को भी बोल रहे हैं, करेंगे करेंगे, करता कोई नहीं है। मगर जो यहाँ के पार्षद हैं वो कहते हैं हमने अपने वार्ड में 100% पार्षद ये कहता है कि हमारी ड्यूटी नहीं है। वो कहता गरा उसकी जो भूपेंद्र जून की ड्यूटी है, वो कहता आएंगे करेंगे, आता कोई है नहीं। अब आप ही बताइए जिसका मेन रास्ता है वो कैसे करेगा। और वैसे कहते हमने सारे काम कर दिए और वोट लेने के लिए यहाँ पे लाइन लगाने पैर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब काम पड़ता है कोई नहीं आता। जब बड़ा वोट डाकन है कहाँ से लेकर और कहाँ से ना, यह समस्या इसे देखो जी। कितने दिनों से भरा हुआ है ये पानी? ये कई दिनों से भरा है हुआ है। तो कहीं कम्प्लेन की किसी को? ये कम्प्लेन करें से खूब कमीशन है, खूब करें से, पर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हाँ हाँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.